अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम लोग 10th क्लास के लेक्चर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने कल आप लोगों का चैप्टर नंबर्स 2 कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया था। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग थी उसकी एक्सरसाइज, उसको हम लोग इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। आज हम लोग आपके MCQs को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के MCQs गिवन है। फर्स्ट MCQs है आपका GW बेसिक कैन ऑपरेट इन, कि हमारे पास GW बेसिक में कितनी तरह के ऑपरेट किए जाते हैं। हमारे पास GW बेसिक के अंदर दो तरह के ऑपरेट किए जाते हैं, दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, हमारे पास बेसिक के अंदर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका क्या था, बेसिक कैन ऑपरेट, कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं फर्स्ट MCQs में आप लोगों के, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, डायरेक्ट और सेकेंड इज इनडायरेक्ट। ये हमारे पास दो तरह के मोड इस्तेमाल किए जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, कि हमारे पास दो तरह के ऑपरेट होते हैं बेसिक के अंदर। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी है, फर्स्ट MCQs का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। मैं ऑप्शन नंबर मेंशन करते रहता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। फर्स्ट वन का आपका आंसर क्या है, आंसर इज बी, क्योंकि हमारे पास बेसिक में दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। आप लोगों के MCQs नंबर है, MCQs नंबर 2 है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम इन GW बेसिक। किसी वेरिएबल के नाम, हम लोगों ने वेरिएबल के रूल्स पढ़े थे, वहाँ वेरिएबल्स के नाम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, वो कह रहा है 31, 32, 40 एंड 45। हमने बात की थी हमारे पास किसी वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी होती है, 40 करेक्टर्स तक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, सेकेंड MCQ उसका, कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ के कितनी लेंथ तक जा सकता है, वो हमारे पास 40 करेक्टर से अबव नहीं होते। आपके MCQ नंबर 3 है, इफ़ टू और मोर स्टेटमेंट रिटर्न ऑन अ लाइन दे कैन बी सेपरेटेड बाय, अगर एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा लाइनें लिखी जाएँ, स्टेटमेंट्स लिखी जाएँ, तो उनको किसकी मदद से सेपरेट करते हैं। आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पर लिखा था एक लाइन, अगर हमारे पास एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हों, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉलन को इस्तेमाल करते हैं, जो दो लाइनों को सेपरेट कर देता है। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए है, कॉलन। फर्स्ट में ऑप्शन हमारे पास कॉलन था, सेकंड सेमी कॉलन, थर्ड कोमा, फोर्थ हाइफन। तो हमारे पास इसका ऑप्शन है ए, आपके थर्ड MCQs का ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज कॉलन। फोर्थ MCQs आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज़ आ टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर फॉर एन टीचर, किसी इंटीजर के, हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर पढ़े थे चार तरह के, हमारे पास इंटीजर के लिए था, स्ट्रिंग के लिए था, इसके अलावा हमारे पास सिंगल प्रिसिशन के लिए था और डबल प्रिसिशन के लिए था। यहाँ वो बात कर रहे हैं हम लोग कौन सा टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर यूज़ करते हैं इंटीजर के लिए। तो इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ किया जाता है हमारे पास परसेंटेज, इसका ऑप्शन बनता है फोर्थ वाले का इज बी। हमारे पास क्या इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिक के लिए। स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉलर का साइन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो बात कर रहा है आप लोगों MCQs नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस। हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़ी थी, हमारे पास किस ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, किस ऑपरेटर की इंपॉर्टेंस उससे कम होती है। यहाँ वो कह रहा है हमारे पास ऑपरेटर्स की बना है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पावर है, हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। वो कह रहा है एक हमारे पास पावर है, एक हमारे पास मल्टीप्लाई है, एक हमारे पास एडिशन है, और फोर्थ हमारे पास इक्वल है, ये है। तो हमारे पास इन सब में से सबसे ज़्यादा हाई प्रेसिडेंस किसकी होती है, पावर की होती है। सबसे हाई प्रेसिडेंस हमारे पास पावर की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही है। फिफ्थ वाले का ऑप्शन क्या है, ए। इसके बाद आप लोगों का MCQs नंबर 6 है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद आ, किसी वेरिएबल का नाम किस से स्टार्ट किया जाता है। हम लोगों ने वेरिएबल्स के नाम पढ़े थे, वेरिएबल्स के रूल्स वगैरह पढ़े थे, वहाँ बात की थी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से। हमेशा हमारे पास फर्स्ट करेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो हमारे पास सिक्स्थ वाले का आंसर क्या है, सिक्स्थ वाले का हमारे पास आंसर बनता है ए, ए ऑप्शन हमारे पास अल्फ़ाबेट है। आपका MCQs नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम इन बेसिक। GW बेसिक में कौन सी की है, मैंने आपको ये बात पढ़ाया था टॉपिक, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कंपाइलिंग ऑफ प्रोग्राम,
सेव एंड क्रिएट अ प्रोग्राम, वहाँ ये बात बोली थी कि हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज के अंदर आते हैं। सेव की की आपको आनी चाहिए, प्रोग्राम लोड करने की आपको आनी चाहिए, एग्जीक्यूट करने की आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ वो बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ शॉर्टकट की टू रन अ प्रोग्राम इन GW बेसिक, कि बेसिक में हम कौन सी की इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को चलाने के लिए। F4 नहीं है, F3 नहीं है, F2 F2 हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, सी। सेवन्थ वाले का आपका ऑप्शन क्या है, सी। MCQ नंबर 8 है आपका, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्ट टू अ इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमारे पास वो कह रहा है जब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 9.6 या 9.5, जब इसको रियल नंबर में कन्वर्ट करते हैं इंटीजर नंबर में, जो इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें कोई पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता, जब उसमें कन्वर्ट किया जाता है तो हमारे पास पॉइंट के बाद वाला हिस्सा ख़त्म कर दिया जाता है, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या बनता है हमारे पास, बी। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर वैल्यू मेरी 5 या 5 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 5 है, कौन सी वैल्यू पॉइंट के बाद वाली, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और पिछली वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, लाइक 10। यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10। हाँ, अगर मेरे पास 9.4 होता तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, अगर ये लेस देन 5 है तो हमारे पास आंसर रिमेनिंग 9 का 9 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो हमारे पास आप लोगों के MCQ नंबर 8 का ऑप्शन क्या है, इज बी, राउंड ऑफ, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या बनता है, बी, जो कि है राउंड ऑफ। MCQ नंबर आपका 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्पररी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कौन सी स्टेटमेंट प्रोग्राम को आर्जी तौर पर रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अभी परमानेंटली स्टॉप किया, आर्जी तौर पर कुछ देर के लिए स्टॉप करना है हम लोगों ने प्रोग्राम को, तो कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक कहते हैं तोड़ देना, ख़त्म कर देना, एंड स्टेटमेंट प्रोग्राम को टोटली टर्मिनेट करने के लिए, पॉज स्टेटमेंट, और लास्ट एंड स्टॉप स्टेटमेंट। तो हमारे पास आपका MCQ नंबर 9 का ऑप्शन क्या है, डी, हम लोग कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को आरजी तौर पर, टेम्पररी तौर पर स्टॉप करने के लिए। आपका MCQ नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यू द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वाज टर्मिनेटेड टेम्पररी, कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रोग्राम को हम लोगों ने टेम्पररी तौर पर स्टॉप किया होता है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, कौन की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है, तो इसका आपका आंसर क्या है, बी। तो ये हमारे पास क्या थे आपके MCQs थे चैप्टर नंबर 2 के, यहाँ तक आप लोगों के सारे MCQs कवर अप हो चुके हैं। इसके बाद वो बात कर रहा है आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है, जो कि आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन है, इस इन मैनी हाउ मैनी टाइप मोड्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोड्स, हमारे पास बेसिक के अंदर दो तरह की टाइप्स होती हैं मोड की, हमने MCQs में, पहले MCQs में यही बात की थी, और दो टाइप्स कौन कौन सी थी, एक डायरेक्ट मोड था, दूसरा हमारे पास इनडायरेक्ट मोड था। GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली, हमारे पास GW बेसिक के अंदर कितनी तरह के मोड इस्तेमाल किए जाते हैं, दो तरह के मोड इस्तेमाल किए जा रहे थे, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, और उसको एक्सप्लेन करना है। डायरेक्ट मोड के अंदर क्या होता है, जब आप लोग प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है, जब आप लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसको चलाते हैं, हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट मोड के अंदर चलता है, एग्जीक्यूट होता है, आंसर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है और फौरन ख़त्म हो जाता है। ये काम किस में होता है, डायरेक्ट मोड के अंदर हमारा प्रोग्राम चलता ज़रूर है, आंसर आता ज़रूर है, साथ ही ख़त्म हो जाता है, हमें स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करता। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, हमारा प्रोग्राम चलता है, एग्जीक्यूट होता है, स्क्रीन के ऊपर आंसर आता है और डिस्प्ले का डिस्प्ले रहता है जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते तब तक, ठीक है। हमें कहते हैं जब की प्रेस नहीं करेंगे कीबोर्ड से, आंसर हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले रहेगा। ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट मोड है। सेकंड वो बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे वेरिएबल्स के, कि वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद लाइन नंबर्स, एक लाइन को दो लाइन को सेपरेट करना हो हम लोग कॉलन इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल हमारे पास स्टार्ट करते हैं हमेशा किससे, अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, स्पेसिस अलाउ नहीं होती, हमने डिफरेंट रूल्स पढ़े थे, हमारे पास कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं किए जा सकते, इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे नेमिंग वेरिएबल्स के, वो इसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की वो बात कर रहा है, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, एक्सप्लेन देयर यूज विद एग्जांपल, कि टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर क्या होते हैं। हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स की बात की थी, हमारे पास चार तरह के क्या थे टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर थे, एक इंटीजर के लिए था, एक स्ट्रिंग के लिए था, एक हमारे पास सिंगल प्रिसिशन के लिए था, और एक हमारे पास डबल प्रिसिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास चार क्या थे टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स थे।
वो कह रहे हैं होते क्या है, किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, हमने डिटेल में बात की थी। हमारे पास इंटीजर इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, पॉइंट्स के बगैर वैल्यू को। स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते थे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को, अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए, जो कि डबल कोटेशन में लिखी होती है, उसके लिए डॉलर का साइन यूज़ किया जाता है। सिंगल प्रिसिशन को इस्तेमाल करते थे हम लोग वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, जो कम अज़ कम 7 डिजिट या 7 से कम डिजिट्स हो सकते थे। अगर 7 से ज़्यादा डिजिट्स यूज़ किए जाते हैं तो वो डबल प्रिसिशन के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, सिंगल के अंदर स्टोर नहीं करते थे। ये हमारे पास क्या था, टाइप डिक्लेरेशन करेक्टर थे। सहमत आपकी वो बात कर रहा है, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स की। हम लोगों ने डिटेल में बात की थी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या थे, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इन कामों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। हमने डिटेल में देखा था हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए जा रहे थे जो हम पहले स्टडी नहीं कर चुके। वो कौन कौन से थे हमारे पास, एक हमारे पास क्या नाम है उसका, दो तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल किए जा रहे थे। फर्स्ट वन हमारे पास था मोड था, और सेकंड हमारे पास इंटीग्रल डिवीजन। ये हमारे पास दो इस्तेमाल किए जा रहे थे किस काम के लिए, मोड वगैरह लेने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, और इंटीग्रल डिवीजन पॉइंट्स के बगैर वैल्यू को कंसीडर करने के लिए। उसके बाद वो बात की रिलेशनल ऑपरेटर्स की, बात की थी रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या थे, रिलेशन का बताते थे हमारे पास, दो चीज़ों का रिलेशन ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। हमारे पास आंसर या यस की शक्ल में आ रहा था या फिर नो की शक्ल में आ रहा था, ये कौन बता रहा था, रिलेशनल ऑपरेटर। लास्ट वो बात कर रहा है लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या थे, इसमें प्रोग्राम की लॉजिक होती थी। ये तीन तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल किए गए थे, एंड और नॉट। एंड कहता था दो कंडीशन लगी हैं, दोनों के दोनों ट्रू होंगी तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, और कहता था नहीं, दो कंडीशन लगी हैं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, दूसरी चाहे गलत हो जाए, आंसर मेरा ट्रू आएगा। एंड कहता था नहीं, दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, एक भी गलत होगी आंसर मेरा गलत हो जाएगा। और ने कहा था ऐसा नहीं है। लास्ट हम लोगों ने बात की थी एंड की, एंड और लास्ट हमारे पास क्या थी, नोट थी। नोट ने कहा था अगर मेरे पास दो कंडीशन नहीं एक कंडीशन है, अगर नोट लगा दिया जाएगा वो उसका उल्ट कर देगा। मैं कहता हूँ मैं अकेडमी में हूँ, तो नोट कहेगा आई एम नॉट इन अकेडमी, मैं अकेडमी में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आज बारिश हो रही है, नोट कहेगा बारिश नहीं हो रही। मैं कहता हूँ ये सच है, नोट कहेगा ये सच नहीं है। नोट करता है क्या है, हमारी बात को हमेशा उल्टा देता है, नेगेटिव में ले जाता है, उसका ऑपोजिट कर देता है। ये काम किसका होता है, नोट का होता है। यहाँ तक आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आप लोगों का काफ़ी सारे लोग इस चैप्टर के अंदर आए हैं, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से और डीपली कवर अप कर लेना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को किसी किस्म का इशू नहीं होगा। अगर फिर भी आपको क्यूरी रहती है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 18 के साथ हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।